अरे ओए वाह यार, बहुत मुबारक हो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गालिबन लास्ट सनी डे था क्रिसमस से पहले, और आज सारा दिन ना बारिश हुई ना बर्फबारी हुई। कल रात सारी बर्फ़ पड़ती रही और अच्छे खासे। इस वक्त अगर आप देखें तो ये सूरत हाल है बर्फ़ की, और चांद भाई निकल आए हैं। टाइम जो है 3 बज गए, और आजकल चल रहा है मतलब शॉर्टेस्ट डेज जो हैं साल के वो चल रहे हैं। तो इस वक्त चांद भाई पूरे जोबन पे हैं और सूरज भी गरूब हुआ चाहता है, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो आगे होने ये वाला है कि 4 दिन या गालिबन 3 दिन हर चीज़ बंद होगी। कल परसों तरसों अब ये चीज़ें सब खुलेंगी 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को 2-3 दिन के लिए खुलेंगी, फिर दोबारा 31 और 1 को बंद हो जाएंगी। तो नॉर्वे में पब्लिक हॉलीडे का मतलब है कि पूरा मुल्क बंद है। इवन कि आप ग्रॉसरी शॉपिंग भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे कोई कोई स्टोर खुला होता है और वो ढूंढना पड़ता है। नॉर्मल जो स्टोर्स हैं कीवी है, रेमत हुसैन है, ये नहीं खुले होते। तो शॉपर जी मेरे पास है और जा रहे हैं कुछ 2-3 चीज़ें एहतियातन, कम तो नहीं है लेकिन एहतियातन, जैसे दूध है, साबुन शैम्पू है, वो एहतियातन लेके रख रहे हैं कि ये ना हो कि छुट्टी के दौरान ख़त्म हो जाए और मिर्ज़ा यार जो है ना आसमान की तरफ देखता रहे कि यार फ़ोन की करिए। तो बस वो चीज़ें लेते हैं और फिर आगे की कहानी देखते हैं क्या करना क्या है आज के दिन में। वैसे दिन का है, दिन तो ख़त्म ही हो गया। तो बस, और आज जो है ना नाश्ते में सिर्फ एक कॉफ़ी पी है, उसके अलावा नाश्ता भी नहीं किया। अब शाम को कुछ हल्का फुल्का खाएँगे और इंशाल्लाह क्रिसमस के बाद वज़न अपना करूँगा दोबारा, कि और कितना लूज़ हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि और आगे लूज़ इतना नहीं हो रहा। फ़ील हो जाता है ना आपको कि वज़न लूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, शुरू में फीलिंग बड़ी आ रही थी, अब फीलिंग नहीं आ रही। हालांकि सारी एहतियातें कर रहा हूँ, तो चलें वो अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह वज़न करूँगा, पता चलेगा कितना कम हुआ कितना नहीं। तो सेंटर का ज़रा चक्कर लगा लूँ। हमसाए ने जी मेरी जिस दिन वीडियो बनाई थी उसके बाद जो है इसने अपना वो सांता क्लॉज उतार के रख दिया था, आज दोबारा। ओए वाह यार, सांता क्लॉज है, बड़े वाला सांता क्लॉज है और उसका छोटा सा बच्चा भी है, और ये बाप बेटा दोनों ही हैं। तो फाइनली हमसाए ने अपना सांता क्लॉज वापस लगा दिया। बड़ा मिस कर रहे थे इसको, क्योंकि मेरी बालकनी जो है ना उससे बिल्कुल सामने नज़र आता है ना, लेकिन साइड व्यू नज़र आता है और साइड व्यू में सिर्फ वो जो बड़ा सांता क्लॉज है वो नज़र आता है। तो अरसे बाद उसे लगा कि दोबारा लगाना चाहिए, लगा दिया है। डेकोरेशन इस वक्त उरूज पे है घरों में, ज़ाहिर है अब मैं घरों की तस्वीरें तो नहीं बना सकता, किसी ने देख लिया तो डंडे उठा के आ जाएंगे, लेकिन यह है कि डेकोरेशन अरूज पे है। लोग अपना, अगर आप ये देखें यार, वाह क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं बर्फ़ के साथ। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। वो क्या कहते हैं हिंदी में, अद्भुत। तो अद्भुत किस्म के नज़ारे हैं आज, और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे बाहर निकल के। ये ग्लव्स जो है ना यार, मेरे साथ असल में हैंड हुआ था, मैंने लिए थे पिछले साल, ऑफ़र में लगे हुए थे अच्छे से ग्लव्स 50 करोड़ के। हफ्ता दो हफ्ते पहने और उसके बाद ना बस में मैं भूल गया, उसके बाद बस वालों के ऑफिस में गया लेकिन वो जो गुमशुदा चीज़ें उसमें पड़ा नहीं था। तो बड़े याद आते हैं, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि दोबारा कभी ऑफ़र लगे वैसे ग्लव्स पे, क्योंकि वो नॉर्मली 300 करोड़ के मिलते हैं। जेब में हाथ डाल के फिर वापस रख लेता हूँ कार्ड, पता नहीं यार क्यों, ये एक अजीब सी आदत है मेरी कि ज़्यादा पैसे ना लग रहे होते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं यार खर्चों के ना खर्चों। तो अब इंशाल्लाह जब भी मेरे लगे, और होपफुली जनवरी में ऑफर शुरू हो जाएंगे 70% की है जो भी, तो इंशाल्लाह एक जोड़ा फिर लेके रख दूँगा। पर इस वक्त वो बर्फ़ जो है ना हाथों पे असर कर रही है। इस वक्त -6 चल रहा है टेम्परेचर, उम्मीद यह है कि -10 तक चला जाएगा रात को। ये जो बस आई है ना, तो इस बस पर जो है ना मुसनसर भाई तशरीफ़ लाई हैं और उनसे जो है अब मुलाकात करनी है सेंटर के अंदर। वो मेरे ख्याल पहुँच ही गए हैं पार्किंग में। तो भाई का नेशनल फाग पास हुआ है और भाई से पूछ रहे हैं कि भाई ने खिलाना क्या इसकी खुशी में, तो चले भाई से भी मिलते हैं आज। तो अभी जी मुस्तनसर भाई की दावत है, अब पता नहीं किस चीज़ की दावत है, ये तो अल्लाह पाक को पता या मुस्तनसर भाई के दिल में अल्लाह पाक ने क्या डाला, लेकिन यकदम ही फ़ोन आया कि दावत है आप सब लोगों की और हम जा रहे हैं। तो जा ही जा रहे हैं, आगे फुरकान भाई अपनी गाड़ी पर, मैं कंपनी की गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ जो है ना अजीमुशान लोग हैं, तो सारे मिलके जी हम जा रहे हैं दावत उड़ाते हैं। आपको वहीं से अपडेट दे देंगे कि दावत है कि, मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की दावत है। बहुत मुबारक हो भाईजान,
फाग पास करने की और हमें मुबारक को ये पिज्जा खाने की। जिंदगी उस मकाम पे लेके आई है कि पहले दो दोस्त हम जाते थे कुछ पेंटे वेंटे खरीदते, कोई अच्छी चीजें खरीदने। अब जो है भाई ने दिखाया आपने क्या खरीदा है। भाई ने अपने बच्चों के खरीदे, मैंने अपने बच्चों के खरीदे। तो ये जिंदगी का सर्कल है, ये चलता रहता है। तो रात वहां से जी रात को तकरीबन 1 बजे करीब वापसी हुई घर में और लेट नाइट हो गया था। उसके बाद आज का दिन भी काफी सुस्ती सुस्ती में गुजरा। अभी अपना जो है लाइव सेशन करके अभी फ्री हुआ तो डिनर कर रहा हूँ। तो ये डिनर है मेरा, ये डिनर करके तो इसके संग डिनर करके कुछ एनर्जी मिलती है, और नहीं तो डाइटिंग से ये है कि थोड़ी सी लेथार्जी होती रहती है। तो फ्रूट्स खाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ ताकि कुछ फ्रेशनेस रह जाए। तो मुझे दीजिए आप इजाज़त, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।